सर सब बड़े होंगे आज को आपके कॉरिडोर लेकर। तो गाइस जिन्होंने पिछली वीडियो देखी उनको पता होगा कि पिछली वीडियो में हमने अपने लिए ढूंढे थे डायमंड जो कि हमने खो भी दिए थे, क्योंकि हम पिछली वीडियो में बनाने वाले थे एन्चेंटमेंट टेबल जो कि हम बना नहीं पाए थे। पर यार इस वीडियो में हम जरूर ट्राई करने वाले हैं एन्चेंटमेंट टेबल बनाने की, और मैं बना भी दूंगा क्योंकि हमने ऑफलाइन खेल के बहुत सारे डायमंड ढूंढ के रखे हैं। तो हम उधर जाएंगे डायमंड कलेक्ट करेंगे और भाई सब कुछ और क्या डायमंड कलेक्ट करके सीधा एन्चेंटमेंट टेबल बना देंगे। फिलहाल यार पिछली वीडियो में हमने किसी डायमंड खोए थे, मैं एक बार बताया था वो पिछली वीडियो में हम एक केव में गए थे और उधर से हम गिर गए थे और हमें बहुत सारे मॉब्स स्केलेटन वगैरह ने मार दिया था, तो इसलिए पिछली वीडियो में हम अपना चैलेंज कंप्लीट नहीं कर पाए थे। पर इस वीडियो में हम कंप्लीट कर पाएंगे क्योंकि हमने पास डायमंड मतलब जाके सिर्फ माइन करने। तो यार चलो जल्दी से चलते हैं और मेरे पास सामान भी कुछ नहीं बचा है। तो गाइज यहाँ पे मैं अपने लिए सबसे आर्मर बना लेता हूँ। और भाई आप बोल रहे हो कि ऑफलाइन खेल के सामान ढूंढा है, तब तो सामान होगा तेरे पास, तो मैं वापस से मर चुका था ऑफलाइन खेलते खेलते ही, तो मैंने सामान लेने का मूड ही कैंसिल कर दिया क्योंकि मैं लावा में मर चुका था, अब तो सामान बचा ही नहीं होगा मेरे पास मेरा। और यहाँ पे मैं सबसे अपने एक आर्मर बना दिया है, तो यहाँ पे मेरे को स्टिक्स भी चाहिए। यहाँ से काम कर, तो उसके 4 ब्लॉक्स मैंने यहाँ से उठा लिए। ओके यहाँ से मैं थोड़ी सी बस स्टिक्स भी बना लेता हूँ, तो यहाँ से मैं थोड़ी एक काम करता हूँ ज़्यादा स्टिक्स बना लेता हूँ ताकि बात के लिए भी ये काम आएंगी। ओके तो क्या बनाएंगे सबसे पहले, काम करते हैं एक्स बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक एक्स बनाई, यहाँ पे एक्स भी बना लेता हूँ और यहाँ पे एक लगे आती है एक स्वॉर्ड भी बना लेता हूँ ताकि बाद में दिक्कत ना हो। ओके तो सिर्फ 2 आयरन बचा है अब अपने पास, तो हम शायद से इससे कुछ कर भी नहीं सकते। तो यार चलो जल्दी से अब अपने काम पे चलते हैं। भाई यार अपना देखो एक बार फाउंटेन कितना बढ़िया सा लग रहा है, बहुत काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है इस पे ऊपर और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सा भी लग रहा है, और यहाँ पे अपना घर भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। ओके यार सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ अपने पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो एक काम करते सबसे पहले आप फार्मिंग कर देते। अभी तक इस वर्ल्ड में हमने फार्मिंग नहीं करी है, ये शायद से 5th एपिसोड है मेरा और अभी तक मैंने फार्मिंग नहीं करी इस वर्ल्ड के अंदर, पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। पर कोई नहीं अभी जाके हम फार्मिंग करते हैं। तो यहाँ पे सीड्स भी उठा लिए काफ़ी ज़्यादा और यहाँ पे मेरे को हो भी चाहिए होगा ना यार, वो भी तो दिक्कत है। तो यार काम करता हूँ मेरे को हो भी चाहिए। ओके यार यहाँ से मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे 3 के 3 हो बना लेता हूँ। 6 अपने पास ये कॉबल डिप्स लेते तो यार इससे 6 हो बन जाएंगे, सॉरी 6 डिप्स लेते 3 हो बन जाएगी, तो चलो अपने लिए अच्छी बात है क्योंकि यार हो ज़्यादा से ज़्यादा हमको ज़मीन हो करनी पड़ेगी। तो यार चलो जल्दी से अपने घर के पीछे चलते हैं। ओके गाइस तो मैं यहाँ पे घर के पीछे आ चुका हूँ, यहाँ पे मैंने हो करना स्टार्ट कर दिया है। पर भाई यार एक दिक्कत हो चुकी है जो कि मेरे को अभी रियलाइज हुई, यहाँ पे मैं हो करते जा रहा हूँ पर अपने वाटर बकेट नहीं है, मतलब ये ज़मीन वापस से पहले की तरह हो जाएगी, ये देखो होनी भी स्टार्ट हो गई। तो चलो भाई सबसे पहले आप अपने लिए एक बकेट बना के लाते हैं। भाई साहब सारी चीज़ें ढूंढ ली पर आपसे एक भी आयरन नहीं मिल रहा, तो यार अब क्या करें, इसका मतलब शायद से हमको वापस से आयरन माइनिंग के लिए जाना पड़ेगा, इसके अंदर भी आयरन नहीं है। भाई अब तो भाई सब स्कैम हो जाएगा, वापस से एक बार हमको जाना पड़ेगा आयरन माइनिंग के लिए। तो यार चलो क्या आयरन माइनिंग करने के लिए जाना पड़ेगा, वो मिलेगा भी नहीं शायद से। ओके फाइनल केव में आ चुका हूँ और यहाँ से मैंने ऑलरेडी आयरन उठा के रखा है, पर फिर भी मेरे को जितना आयरन मिलेगा अच्छी है, वैसे क्रीपर फूट जाता अभी। चलो क्रीपर फूट ही गया भाई, क्या किस्मत है, कोई नहीं हमको क्या है भाई, हमें को थोड़ी डैमेज पड़ा है। तो ऐसे थोड़ा बहुत आयरन ढूंढ के आपसे मिलता हूँ बस थोड़ी देर में। ओके गाइस तो आज से मैंने थोड़ा सा आयरन उठा के स्मेल्टिंग के लिए लगा दिया है। फिलहाल हम चलते हैं अभी अपने केव के अंदर जिधर हमने डायमंड ढूंढ के रखे, तो यहाँ से मैंने लाइटर्स लगा रखे, नीचे जाने में आसानी और ऊपर आने में आसानी उसके लिए भी है। तो यार हम काफ़ी ज़्यादा नीचे तक गए, यहाँ से मैंने अपनी आयरन माइन करके लाए। ओके गाइस तो यहाँ से 58 तक हमने माइन कर रखी है क्योंकि 58 पर आयरन मिलने के चांसेस ज़्यादा है 1.18.1 में, क्योंकि पिछली पहले 12 पे ही डायमंड मिलता था, अभी नीचे आना पड़ता है। यहाँ पे मैंने थोड़ी अच्छे से सामान रखा है। ओके तो चलते अब आगे, इधर मैंने बहुत ज़्यादा खुदाई करी है और इधर कई तो इन्हें डायमंड ढूंढ के रखा है, पता नहीं एग्जैक्टली किधर है, शायद से उधर इस में डायमंड क्या किधर गई। ओके के मतलब जिधर मैंने खोद के रखा है कहीं उधर मैंने शायद से डायमंड देखा, हाँ ये रहा ये रहा, ये सब डायमंड मिल चुका आपको, हमने ये डायमंड ढूंढ के रखे और ये फिर मैंने खोदे नहीं थे और मैंने सिर्फ एक ही डायमंड मिला, क्योंकि मैं आपके साथ ये वीडियो में खोदना चाहता था डायमंड कितने डायमंड मिले, पर सिर्फ एक ही डायमंड मिला इधर से। पर कोई नहीं और भी ज़्यादा ढूंढ के रखे, तो चलो वहाँ पे चलते हैं।
ओके, इधर टॉर्च लगा रखी है, मतलब इधर डायमंड होगा, और यहाँ पे एक डायमंड, दो डायमंड, तीन डायमंड्स, चार डायमंड्स, यहाँ पे चार डायमंड यहाँ पे मिल चुके हैं, मतलब अपने टोटल पांच डायमंड हो चुके होंगे अब। तो यार चलो दूसरी चलते रहे, और यहाँ पे मेरे पास और भी डायमंड से यहाँ पे मैंने और ढूंढ के रखे, तो भाई सब डायमंड डायमंड आज हो जाएंगे, बारिश कर देंगे डायमंड की गति, मतलब इतने भी ज़्यादा नहीं ढूंढ के रखे, थोड़े बहुत है, और जैसे एक जगह पे होंगे। चलो चलते हैं वहाँ पे भी। ओके, तो यहाँ शायद से लास्ट वाली लोकेशन है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता और मैंने डायमंड ढूंढ के रखे होंगे, फिर भी यार काफ़ी ज़्यादा अपने डायमंड हो चुके होंगे मेरे ख्याल से। भाई ये बेड रॉक तक यार आ चुका हूँ मैं, 14 डायमंड हो चुके अपने पास, और काफ़ी ज़्यादा ये डायमंड अपने लिए। तो यार अभी आपने कोई एन्चेंटमेंट टेबल बनाने, तो सबसे पहले गोल्ड लेके ऊपर चलता हूँ मैं आपसे सीधा। ओके भाई सब ऊपर भी आ चुका, और यहाँ पे डायमंड स्प्रेड करके रखे ताकि ये ज़्यादा लगे। फिलहाल यार शुगर केन उठा ले, और यहाँ से पेपर बना लेता हूँ, क्योंकि बुक्स लगेंगी एन्चेंटमेंट टेबल के साइड में, बुक शेल्फ लगेंगे इसके लिए, बुक शेल्फ बना के बुक्स लगेंगी। तो यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे पेपर्स तो आ चुके, और काफ़ी ज़्यादा लेदर भी है, तो काफ़ी सारी बुक्स भी बन जाएंगी। और यहाँ पे मेरे पास ये पेपर भाई 42 42 42 एग्जैक्ट, और भाई सब 42 लेदर है, मतलब 42 बुक्स भी बन जाएंगी। बहुत सही, यहाँ पे अपने साथ सीन है, 42 बुक्स से मेरे को सबसे पहले अभी एंजॉयमेंट टेबल बनाने पर, कैसे बनाते हैं मेरी रेसिपी भूल गया, बहुत टाइम पहले बनाया था। यहाँ पे ऑब्सीडन कैसे रखना था यार मेरे को याद नहीं आ रहा भाई, एक बुक रखनी है, दो डायमंड रखने, सॉरी मतलब क्या कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं पूरा का पूरा, शायद से दो डायमंड, यहाँ पे एक एक डायमंड नहीं, शायद से दो डायमंड, पता नहीं भाई, शायद से दो डायमंड, शायद से यस दो डायमंड, हाँ एक डायमंड इधर, एक डायमंड इधर, एक बुक ऊपर रखी, ऑब्सीडन ऐसा रखा, और भाई इंचमेंट टेबल बन गया भाई साहब, लेट्स गो, पहला इंचमेंट टेबल इस वर्ल्ड का देखो भाई मेरे हाथ में है। और चलते हैं अभी इसका सेटअप करना है सबसे पहले ऊपर जाके, पर मेरे पास यहाँ पे ये तो नहीं है ना बुक शेल्फ, तो वो भी बनानी है, तो यार वो भी बनानी पड़ेंगी, तो ऊपर जाके कोई फायदा भी नहीं है, दिक्कत की बात ही क्या रही है। उस इधर से हमने उठा लिया बहुत सारा वुड, और उधर से बना लिया प्लैंक्स, और प्लैंक से बना ली है बुक शेल्फ, मतलब बुक्स भी लगी है उसमें काफ़ी ज़्यादा। फिलहाल अपने पास 13 बुक शेल्फ बन चुकी है, जो कि इनफ नहीं है, शायद से 15 लगती है, पर 13 बन चुकी है। चलो कोई नहीं, इधर सेंटर में हमने एंटरमेंट टेबल रख के साइड में बुक शेल्फ लगाते हैं सारे के सारे। ओके गाइस, यहाँ पे तीन तो लगा दिए, और यहाँ पे दो लगा दिए, और यहाँ पे दो लगा दिए, टोटल यहाँ पे सात लगा दिए, और इसके ऊपर और जाएंगे हमारे पास जितने बचे उतने, तो यहाँ पे तीन ही बचे हैं मेरे पास, ये बच्चे ऊपर लगा देता हूँ, ठीक है। आप अच्छा लग रहा है, पर यार सेटअप कंप्लीट नहीं है, अच्छा खासा मतलब बन चुका है पर कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो हमें शायद से 30 के लेवल के एंजॉयमेंट ना मिले, 25 की दे रहा है भाई, लगा ही था, क्योंकि शायद से देखो 13 है ना अपने पास, यहाँ पे एक आएगी और शायद से उस साइड पे एक और आएगी, पर यार 14 से भी हो जाते शायद से, एक काम करना पड़ेगा हमको, जो ऊपर में हमने ये लगाया है ना उसको शायद से तोड़ना पड़ेगा फिलहाल, यहाँ पे मैं उसके बदले वो काम को बाद में करूँगा सोच रहा हूँ। यहाँ पे एक बकेट बना ली है ताकि हम अपनी खेती कर सकें, क्योंकि फूड के दुकान में अभी भी लगे हुए हैं, फिर चलो खेती करते पहले। ओके, तो अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सीड्स ले रहा हूँ अपने लिए, क्योंकि सीड्स की थोड़ी कमी है, एक स्टैक तो है, पर यार बाद में इतनी सीड्स होगी ना भाई साहब इरीटेट हो जाऊंगा, इतनी सीड्स आती है इस खेती करने के बाद। यहाँ पे खड्डा करके इसके अंदर पानी डाल के अब साइड में सारा एरिया हो करना है, तो हो करता हूँ सारा एरिया यहाँ पे मैं, और देखो गीली मिट्टी, सॉरी मिट्टी गीली भी होनी शुरू हो जाएगी, हो गई है। ओके गाइस, यहाँ पे हम भाई साहब जो बोलने का वो तभी इसके ऊपर कूद के ख़राब कर दिया। फिलहाल यहाँ पे मैं अभी प्लेस करने जा रहा हूँ सबसे पहले अपनी इस वर्ल्ड के अंदर की सीड, जो कि हम प्लेस करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमको मिल चुका है एडवांसमेंट सीड प्लेस। तो यार चलो अब बाकी का काम भी कंप्लीट करके सारी जगह पे सीड्स लगा के भाई वीट ही वीट उगा के ब्रेड ही ब्रेड बनाते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं ट्रैप डोर बना के आया हूँ ताकि इधर से ट्रैप डोर लगाऊँ। अब उसका फ़ायदा क्या है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। फिलहाल यहाँ पे ट्रैप डोर लगाने के लिए शायद से प्लैंक लगेगा, क्योंकि ऐसे लगेगा नहीं, यहाँ पे मैंने एक प्लैंक लगाया और यहाँ पे एक ट्रैप डोर। ओके चलो ट्रैप डोर तो लगा दिया, अब इधर की साइड तो लगा दिया, दूसरी साइड भी लगाना है। और देखो अब मैं इसको इसे दौड़ के इसके अंदर गिर रहा हूँ ना, ट्रैप डोर लगाने के बाद मैं इसके अंदर गिरूंगा नहीं, तो फिलहाल ट्रैप डोर तो लगा देता हूँ। ओ भाई साहब ऐसा ट्रैप डोर लग गया अच्छा खासा, पर देखो मैं अब इसके अंदर गिर नहीं रहा हूँ, मतलब कितना अच्छी बात है हम ऐसे दौड़ सकते इधर,
फिलहाल यार ये ट्रैप डोर लगा गलत तो हम, अरे भाई ये तो नीचे ही लगा दिया, वो थोड़ा सा अच्छा तो था, ये तो नीचे, इसका तो कुछ फायदा ही नहीं है। चलो फाइनली सही ट्रैप डोर लगा दिया हमने, और जितनी सीट बची है दो उतनी लगा दी मैंने। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत यहाँ पे सीड कलेक्ट कर रहा हूँ भाई सब, बाल्टी भर के पानी डाल डाल के सीड निकालूंगा, इतनी सीड निकालूंगा, इतनी सीड निकालूंगा कि इसमें सीड मतलब ग्रास में भी सोची नहीं होगी इतनी सीड कैसे निकाल दी इसने बंदे ने। बच्चे कुछ सीड भी यहाँ पे लगा दिए। ओके गाइस, तो वहाँ से मैं थोड़े बहुत मतलब घोड़े वगैरह थे, काउज वगैरह थे, उनको मारा और यहाँ पे लेदर लेके उनसे थोड़ी बहुत बुक्स बना के यहाँ पे बुक सेल बना दिए, ताकि यहाँ पे हम कंप्लीट कर सके। और यहाँ पे अभी ये फाइनली शायद से कंप्लीट हो चुका है, इसमें अब शायद से 16 हो चुके हैं मेरे ख्याल से बुक शेल्फ, और वैसे अभी भी यार 28 की दे रहे हैं भाई, मजा है क्या, इतना बने और तो अभी 28 की दे रहे हैं, पता नहीं क्या सीन है भाई। यहाँ पे चार है, इधर 6 है और इधर 4 है, शायद 14 है भाई अभी, और ऊपर एक 15। अरे यार भाई 14 इसलिए शायद से नहीं दे रहा भाई, यार पता नहीं मैं क्या कर रहा था, मेरे को अगर यार ऊपर की तोड़नी नहीं पड़ेगी, अब दो बना के लाया हूँ तो, पर यार अब तो शायद से इसको तोड़ना पड़ सकता है। देखो यार इन सबसे वर्ड्स निकल के आ रहे हैं, मतलब उस एंचरमेंट टेबल में जा रहे हैं, और इधर 25 की मिल रही है, पर उस ऊपर वाले से वर्ड्स नहीं आ रहे। ओके गाइस, तो ऊपर की मैंने तोड़ के वापस से उसको बना के लाया हूँ, क्योंकि सिल्टन ना हो तो आपको ये तोड़ के सीधा नहीं मिलता, इसलिए इसको वापस से बना के लाया हूँ मैं। तो अब देखते कितनी का, पर अब देखो गाइस उसमें से वर्ड जा रहे इसके अंदर, और देखो अब 30 लेवल के एंजल मिल रही थी, मतलब ऊपर लगाई थी वो ही हमने गलत किया था, वो हमारी गलती थी शायद से, पर 30 लेवल के एंजल तो मिल रही है हमको। एक्स में देखते कितनी की मिल रही है, एक्स में 30 की थी भाई। फाइनली एंचरमेंट टेबल कंप्लीट हो चुका है यार। ओके गाइस, यहाँ पे अपने पास काफ़ी सारे डायमंड जो बचे हुए, तो हम अपने लिए डायमंड की पिकैक्स बनता हूँ मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि अपने डायमंड की पिकैक्स काफ़ी ज़्यादा मतलब इस्तेमाल है ऑब्सीडियन वगैरह माइनिंग में। तो भाई पहली डायमंड की पिकैक्स वर्ल्ड की हाथ में मेरे, और शायद से ये नीचे ट्रेडर कब से देख रहा हूँ भाई, आवाज़ें निकालते जा रहा है, पता नहीं कहाँ फंसा हुआ है, रुको यार सबसे जाके इसको पेलना पड़ेगा, और ये पेरिस खानी पड़ रही है, अभी तक अपनी खेती जो है उगी भी नहीं है शायद से, पता नहीं उगी होगी या नहीं। ये देखो भाई ये ट्रेड मतलब भाई वो देखो भाई खुद से ही मर रहे उस बेरिस में, तभी सोच रहा हूँ इससे आवाज़ें कहाँ से आ रही है, और भाई मरो उसके अंदर जाके भाई साहब, बहुत बदतमीज का मार दिया है, और इसको भी मार दिया है, अच्छा खासा लेदर मिल चुका है। और भाई तू क्या दे रहा है भाई, निकल तू भाई, हमेशा ही स्कैम करता है, अभी भी स्कैम कर रहा है, तू नहीं सुधरेगा इसलिए तू मरेगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर सोच रहा हूँ कि एक डायमंड क्या यहाँ पर डायमंड की प्लेट बनाऊँ, पर नहीं, हम ये डायमंड जो है बचा के रखेंगे, ताकि हम एक साथ ही डायमंड का आर्मर और एक्स और स्वॉर्ड एक साथ ही, एक्स और स्वॉर्ड एक साथ ही बना सके। तो मैं फिलहाल यहाँ पे दो चेस्ट बना लेता हूँ, ताकि उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से डायमंड संभाल के रखूँ, क्योंकि मैं डायमंड के लिए सेपरेट चेस्ट बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने दो चेस्ट बना लिए, और इसको हम शायद से सेंटर में रखेंगे, पर यार नहीं, एक काम करते स्पेशल ब्लॉक हमारे उसको ही पढ़ाई कर देखते भाई, मेरा उसको अच्छा सा ब्लॉक पड़ा है भाई, दो गोल्ड के ब्लॉक पड़े, दो गोल्ड के ब्लॉक के ऊपर ये काम करूँगा, चीज रखूँगा यहाँ पे सेंटर में, ये दोनों लगा देता हूँ। अरे यार ये अच्छा नहीं, सेंटर में नहीं लगा, ये वाला तोड़ के लेफ्ट साइड में लगा देता हूँ। ओके अब इसके ऊपर यहाँ पे दो चेस्ट रखूँगा मैं, लेट्स गो, और यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे 9 स्प्रेड करके रख देता हूँ, ताकि ये ज़्यादा लगे, और भाई क्या बढ़िया सा लग रहा है अभी ये। और यहाँ पे अपने पास दो मतलब एक दो डबल चेस्ट है, एक जो कि खजाने की चेस्ट है, अपने सबसे ज़्यादा बढ़िया चेस्ट इस वर्ल्ड की। ओके गाइस, तो यहाँ पे सामने की तरफ मेरे को कुछ घोड़े दिख रहे, तो मैं सोच रहा हूँ कि घोड़े भी टेम कर लेता हूँ, क्योंकि अपने पास सैडल तो है, हार्स हॉर्स का आर्मर भी है, घोड़ा टेम करूँगा आप सारे भाई, प्लीज़ हो जाए टेम। अरे भाई बदतमीज से हॉर्स आर्मर दूंगा, हो जाए टेम भाई सब, लालची घोड़ा हॉर्स आर्मर का नाम लेते ही भाई टेम हो गया भाई, ले भैंस की तेरी को एक सैडल ले, और देखता हूँ तू कितना तेज है, इतना भाई टेम नहीं हो रहा था यार, ये ज़्यादा फास्ट नहीं लग रहा है मेरे को, पर ठीक है मतलब क्या कर सकते। इधर आसपास और घोड़े, इनको भी टेम करके देखता हूँ कि इनकी स्पीड कैसी है, ताकि हमको पता चल सके।
ओके, तो ये टेप होने का नाम नहीं ले रहा है, और भाई कब से बैठा रहा हूँ इसके। अरे भाई हो भी जा टेप, वरना नहीं वो मेरे को जाना पड़, वैसे मेरे को जा सकूँ मैं भाई। ठीक है भाई, ये आखिरी मौका दे रहा हूँ तेरे को, होना है तो, वरना बाहर में जा। अबे यार इतनी देर क्यों बैठा के रखा है भाई, होना है तो जल्दी से हो जाना भाई, तू बाहर में जा, मेरे को नहीं चाहिए तू, मेरा इतना घोड़ा अच्छा है। और यहाँ पे एक सामने की तरफ मेरे को और घोड़ा दिख रहा है, चलो यार इसको भी ट्राई करते हैं, ये होता है या टेम है नहीं भाई। बड़े बदतमीज घोड़े यार ये, अपना अच्छा खासा एक घोड़ा है तो यार उसको लेके चुपचाप यहाँ से निकल दे, नहीं चाहिए मेरे को ये घोड़े, इसको मस्त डायमंड का अवसर पर दूंगा, इतनी स्पीड काफ़ी अपने लिए। और अपने इसके पास 1100 है, तो अच्छा खासा घोड़ा है अपना, तो चलो सीधा घर पे मिलता हूँ आपसे। ओके भाई, सुबह भी हो चुकी है, मैं सो के भी उठ चुका, और ये घोड़ा भाई साहब किधर भाग जा रहा है। बदतमीजी मत कर घोड़े, तू मेरा है, आपसे फ्रेंड है मतलब पार्टनर है इस वर्ल्ड के अंदर, तो इसको इधर रखता हूँ मैं। और भाई रुक, तेरे को मैं नाम भी दूंगा थोड़ी देर में, फिलहाल इस क्रीपर को पे लूंगा। अबे यार ये क्रीपर भाई बड़ा बदतमीजी कर रहा है, चल एक शॉट और खत्म, लेट्स गो। ओके गाइस, जो आपने सभी डायमंड हॉर्स और मेरे, तो मैं घोड़े का पहना देता हूँ, और भाई साहब क्या बढ़िया लग रहा है, और अभी ये भी स्ट्रांग हो चुका है भाई। देख मैंने खुद के लिए डायमंड आर्मर नहीं पहना, और तेरे को डायमंड को हॉर्स आर्मर दिला दिया, देख कितना खुश नसीब है तू भाई साहब। तेरे को मैं नाम भी दूंगा जल्दी, फिलहाल मैं तेरे को खाना है, तो भाई स्वीट वीट तो नहीं खाएगा तू, देखता हूँ यार अपनी खेती बढ़ी है नहीं, चलो लेट्स गो देख के आते हैं। ये तो बढ़ी नहीं अभी तक भाई, पता नहीं कब बढ़ेगी। ओके गाइस, फाइनली जो है वीट जो है उग चुका है, एक वीट मेरे को दिखा था, पर अब शायद से दूसरा भी उग चुका है, चलो अच्छी बात है। ये दोनों के दोनों वीट अपने घोड़े को दे देंगे हम, और अपना आज के सारे टास्क फिर कंप्लीट हो जाएंगे। तो यार चलो इधर मैं थोड़ा बहुत वीट लगा देता हूँ अभी, और अभी सिर से देखो कितने हो जाएंगे, धीरे धीरे करते पूरे भर के जाएंगे अपने पास। ये तो मेरे पास पहले ही पड़े थे, पर अब धीरे धीरे करके और भी ज़्यादा हो जाएंगे। चलो चल के दो वीट है वो अपने घोड़े को दे देंगे, और भाई आज का मतलब ऑलमोस्ट हमने सब कुछ आज कर दिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, और अपना घोड़ा भी आप खुश है क्योंकि हमने इसको वीट दे दिया है। तो चलो गाइस आज के वीडियो इतना ही, भाई सब बोलने में दिक्कत आ रही है भाई, पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कर दिया हमने आज। और भाई अगर आपको वीडियो पसंद आई ना, तो लाइक करना सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको मिलते रहेंगे इसी कंटेंट चैनल पर। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय शिवराय।